इस छोटे से वीडियो में हम आज समझेंगे कि अगर किसी के सीने में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको वो पेन कार्डियक पेन है या स्टमक पेन है, यानी कि दिल का दर्द है या पेट का दर्द है। दोस्तों, इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी को स्टमक पेन है तो वो कोई इमरजेंसी नहीं है, उसमें पेशेंट की डेथ का खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को कार्डियक पेन है, दिल का दर्द है, उसमें पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 5 घंटा, 6 घंटा, 1 घंटा, इवन उससे भी कम टाइम होता है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि अगर किसी के भी सीने में दर्द होता है, आपके घर में, बाहर, पड़ोस में या कहीं भी आप हैं, तो उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं या एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो फौरन आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और पेशेंट की जान बच सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ है इसमें जानने वाली, अगर मान लीजिए किसी को सीने में दर्द होता है, कार्डियक पेन भी सीने में होगा और स्टमक पेन भी सीने में होगा, दोनों बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे आप बिल्कुल आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि अगर किसी को पेट का दर्द होगा तो वो उसकी हिस्ट्री ये होगी कि उसने खाना खाया है, बहुत ज़्यादा खा लिया, या उसको पहले से एसिडिटी रहती है, उसको पहले से प्रॉब्लम रहती है, वो एसिडिटी की दवा खा रहा है, तो एक आइडिया रहता है कि इसको स्टमक पेन होगा। उसी के साथ साथ उसको ये मिलेगा कि उसको फुलनेस होगी, पेट में भारीपन होगा, उसको ऐसा लगेगा कि अगर झुकेगा तो खाना बाहर निकल आएगा, लेटने में दर्द बढ़ जाएगा, पेट में फुलनेस महसूस होगी। लेकिन अगर कार्डियक पेन है यानी सीने का दर्द है, तो उसमें ऐसी कोई सिम्टम नहीं मिलेगी। उसमें क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि उसकी सांस फूल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी उसे सांस नहीं लिया जाएगा, सांस लेने में उसे दुश्वारी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि सांस कार्डियक पेन में उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी और स्टमक पेन में उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज यह है कि अगर किसी को कार्डियक पेन है तो उसके साथ उसको वोमिटिंग, उल्टी, मतली जैसी कंडीशन मिल सकती है, लेकिन कार्डियक पेन में पेशेंट को स्वेट्स आएंगे, पसीना होगा, उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा उसको पसीना होने लगेगा। अब हम आते हैं आगे। तो स्टमक पेन जो आमतौर से ये होता है कि नीचे भी जा सकता है, एब्डोमिनल रहता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है पेशेंट को, लेकिन कार्डियक पेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको ऐसा लगेगा कि किसी ने उसका गला दबा दिया, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम आते हैं कि कार्डियक पेन जो होता है वो आमतौर से रिफ्लेक्ट होता है, रेडिएट होता है जा में, यानी कि उसको लगेगा कि उसकी गर्दन में पेन हो रहा है और जा में पेन हो रहा है, जबड़े में पेन हो रहा है, इसी तरीके से पूरे हाथ में, आमतौर से बाएं हाथ में नमनेस भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, और वो दाएं हाथ में भी जा सकता है, लेकिन स्टमक पेन है वो बैक में, लोअर बैक में या मिड बैक में जा सकता है, लेकिन वो रेडिएट होके हाथ में या राइट या लेफ्ट हैंड में नहीं आएगा स्टमक पेन। उसी के साथ साथ स्टमक पेन के साथ मैंने जैसा कि बताया कि हिस्ट्री मिलेगी कि पेशेंट को पहले से एसिडिटी रहती है, और कार्डियक पेन में हिस्ट्री मिल भी सकती है कि पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन है, उसकी लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है, उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, यानी कि एक उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको कौन सा दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, ये रही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को कार्डियक पेन में उसका पल्स बढ़ जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, उसको पसीना आएगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, लेकिन स्टमक पेन में पेशेंट को फुलनेस ऑफ स्टमक होगा, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाएगा उसका, उसको लगेगा कि एसिड मुंह में आ रहा है, इसी तरीके से उसका जो पेन होगा वो आमतौर से खाना खाने के बाद होगा। फ्रेंड्स, ये जानकारी कार्डियक पेन और स्टमक पेन के बारे में, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।